नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो सारे प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं हर तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, जिसमें SSC, UPSC, EPFO, आप किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां करंट अफेयर या जनरल स्टडी उसका सिलेबस का पार्ट है, उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर न्यू क्लास की, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है। विद रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, उसके रिगार्डिंग में आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है। और जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, इसमें आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताना है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। जब भी नॉट करेक्ट आए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, इसमें करेक्ट नहीं बल्कि नॉट करेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो नॉट वर्ड को जरूर सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए क्वेश्चन में, जैसे कि मैं आपको बोल्ड करके यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इसमें बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिग्निफाई एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सिग्निफाई करता है एक्सक्लूडिंग लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। लाइव स्टॉक को एक्सक्लूड करके ये बोला जा रहा है इसके अंदर, बेस्ड ऑन द प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड प्रोड्यूसर। कि इसमें क्या होता है कि एक्सक्लूड कर देते हैं हम लाइव स्टॉक को, यानी कि अगर मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं तो खेती करने के साथ साथ आपके पास कुछ ऐसे भी जानवर वगैरह जो आप रखते हैं, जैसे गाय, बैल और भी कोई जानवर, बकरी वगरी जो रखते हो, उनको हटा के बात करता है जब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। इसमें क्या होता है कि पहले से ही, जैसे क्वेश्चन में ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला था, बायर का मतलब है जो भी खरीदने वाला है उस किसान से, फार्मर से, जो चीज खरीदने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रेड बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने किसी फार्मर से एक डील साइन कर ली कि पहले हम ये करेंगे, हम इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी मैं आपसे लूंगा, इतना गेहूं मैं आपसे लूंगा, ठीक है। और उस हिसाब से गेहूं के प्रोडक्शन के लिए खेत में फार्मर जो भी काम करता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा पैसे, मान लीजिए उसका 10% 15% कुछ परसेंटेज अमाउंट पहले से ही उसको प्रोवाइड कर देता है, तो इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ये बोला जा रहा है, इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लो इन्वेस्टमेंट। कि लो इन्वेस्टमेंट होता है ना खेती में, जैसे एग्रीकल्चर में लो इन्वेस्टमेंट होता है, उसको इंश्योर करने के लिए, एंड इंश्योर एंड सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी इनपुट, टेक्निकल गाइडेंस एंड मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर द फार्मर। कि इसके अंदर यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि जो फार्मर होता है उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा नहीं होता है, तो जो फर्म होती है जो उससे वो सामान खरीदेगी, सामान का मतलब यहाँ पे हम मैं बात कर रहा हूँ, जैसे गेहूं की बात करी मैंने, एक एग्जांपल लिया आपसे कि मान लीजिए ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, उसने किसी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई आप मुझे गेहूं बाद में उत्पादन करके मुझे दोगे, तो उसने थोड़ा सा, तो उसे क्या करता है कुछ परसेंटेज 10% 15% संभाव कुछ एक मनी उसे जो देगा, तो ये जो लो इन्वेस्टमेंट थी इसकी प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं। और दूसरा कुछ टेक्निकल इनपुट, यानी कि कुछ उसे अपनी खेती में, फार्मिंग में कुछ इनोवेशन के लिए कुछ टेक्निकल सपोर्ट या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करता है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट को आपने समझ लिया होगा, इसमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ऑप्शन यही है कि भाई ए यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, बी यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और सी में जब बोला जा रहा है कि बोथ वन एंड टू यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू यानी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है अब इसको इस रेफरेंस में बताना है आपको, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ध्यान रखते हुए इनमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एक बार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसमें ए यानी कि वन ओनली, कि पहला स्टेटमेंट में गलती है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। गलती क्या है इसके अंदर, इसमें जो बोला गया ना एक्सक्लूडिंग लाइव स्टॉक, ये गलत हो गया। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, यहाँ पे इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक फार्मर है, उस जैसे यहाँ पे देखा था ना अपने स्टेटमेंट लिखा था एक्सक्लूडिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब है कि उसके पास जो भी जानवर वगैरह हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी वगैरह, जो भी उसके पास किसान के पास
सपोर्ट के लिए, अपनी खेती के सपोर्ट के लिए, यानी जैसे वो बैल का इस्तेमाल करता है खेती में, इसी तरह और भी दूसरे जो जानवर जिनका वो इस्तेमाल करता है उसको जो एक्सक्लूड किया गया था स्टेटमेंट में जो बोला था वो गलत है। बल्कि फार्मिंग के साथ साथ इसमें क्या है, ये भी टर्म होता है कि उनके लिए भी सपोर्ट होती है। जैसे मान लीजिए कोई बैल से खेती कर रहा है तो बैल के रख रखाव के लिए, उसके लिए हेल्थ की उनके कोई इशू क्रिएट ना हो, तो एक तरह से उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी फॉर द फार्मर के एनिमल के लिए, ठीक है, या फिर उसके सपोर्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स है बाकी सारी चीजें ठीक है कि भाई ये एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, वो प्री एडवांस कुछ पैसा दे देता है, कुछ सपोर्ट दे देता है, टेक्निकल सपोर्ट दे देता है, लो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं, फिर वो क्वालिटी इनपुट करता है और उसका टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है फार्मर को, ये सारी बात सही है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, करेक्ट का मतलब है जो पूछा गया था आपसे कि गलत स्टेटमेंट, तो गलत स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर था, यानी हमारा आंसर हो गया ए, यानी वन ओनली, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं GIAHS, यानी कि ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने ये बताना है जैसे नीचे पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि इसके रिगार्डिंग में GIAHS के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ये है, इट इज प्रोग्राम ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं FAO, ये किसका प्रोग्राम है, FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है FAO उसके अंदर ये प्रोग्राम है GIAHS की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये बोला जा रहा है कि इंडिया हैज द 3 रिकॉग्नाइज्ड GIAHS साइट, यानी कि इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर अगर हम ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ पे थ्री ऐसी साइट्स से जो कि रिकॉग्नाइज की गई है हमारी कंट्री से इस प्रोग्राम के तहत, यानी ये बोले इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुई है हमारी कंट्री की 3 साइट्स, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको सही स्टेटमेंट क्या है ये बताना है, आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए यानी वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड में ऑप्शन जो बी ऑप्शन में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट जो है ना वो सही है, और थर्ड ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, जैसे बोला है ना नाइदर वन नॉट टू, यानी कि ना ही पहला और ना ही दूसरा, इनमें से कोई से भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही क्या है ये आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, हाँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आंसर क्या है। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि बोथ वन एंड टू, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की, तो जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो है ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यानी कि इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्टार्ट किया था, और किसके डायरेक्शन में, किसकी तरफ से, ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम एक तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि ये जो बोला गया था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है FAO उसके अंदर इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है, यानी GIAHS को। अच्छा, दूसरा जो बोला गया था कि हमारी कंट्री में 3 ऐसी साइट है जिसे वो सिलेक्ट की गई है इस प्रोग्राम के तहत, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो 3 साइट है वो है कुटेंड, जो कि बिलो सी लेवल की जो फार्मिंग है केरला के अंदर, उसको सिलेक्ट किया पहले नंबर पे। दूसरा ये कोरापुट भी सिलेक्ट हुई है, और कोरापुट जो है वो क्या है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की मतलब एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर जो फार्मिंग होती है उड़ीसा के अंदर, उसे सिलेक्ट किया गया है। और थर्ड जो है पेम्पोर है, पेम्पोर क्या है, ये सैफून हेरिटेज, यानी कि जो कश्मीर वगैरह में सैफून की जो खेती होती है उसके रिगार्डिंग में, जो भी उनका जो वे ऑफ एग्रीकल्चर है वहां पे, जो भी वो खेती वेती करते हैं सैफून से रिलेटेड, ये हेरिटेज है, मतलब ये पुराने टाइम से जो चलती आ रही है उसे सिलेक्ट की गई है। यानी कि हमारी कंट्री में 3 ऐसी साइट्स है जिसे रिकॉग्नाइज की गई है ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के तहत, कुट्टायन जो कि केरला से रिलेटेड है, कोरापुट जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है, और पेम्पोर जो कि कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 कौन कौन से साइड है, ठीक है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हो गया
वो हो गया बोथ, वन एंड टू दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, यानी कि आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, कि प्रधानमंत्री के अंदर जो कई सारी स्कीम चलती है हमारी कंट्री को प्रधानमंत्री के नाम से, तो उसमें एक स्कीम है आपका व्यय वंदना योजना, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, तीन स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट को देखना है कि करके, उसके बाद नीचे बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे बोला गया ना ये विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर बाद में ऑप्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है, इट प्रोवाइड पेंशन टू द सीनियर सिटीजन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये जो हमारी कंट्री में सीनियर सिटीजन है, इट मीन्स अ पीपल हैविंग अ मोर देन 60 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 60 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है, और वो भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि उनको एनुअली बता दिया जाता है कि भाई आपको 8% 10% 15% को भी एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, और उस हिसाब से उनको रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से पेंशन प्रोवाइड की जाती है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। सेकंड में बोला जा रहा है द फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव एनुअल रीसेट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, कि उनको हर साल जब ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, जब ईयर स्टार्ट होता है तो हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये अप्रूव करते हैं कि वे रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए इस साल का, यानी कि एनुअल बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द सोल इंस्टीट्यूशन टू ऑपरेट दिस स्कीम, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC जो हमारी कंट्री के अंदर है वो इस प्रोग्राम को रन करने वाली, ऑपरेट करने वाली, स्कीम को चलाने वाली इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये तीन स्टेटमेंट थी, अब आपको बताने सही स्टेटमेंट क्या है। अब मैं आपके ऑप्शन बता देता हूं क्या क्या है। ऑप्शन आपके लिए ये है ए, यानी कि वन ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि ये एक तरह से सीनियर सिटीजन को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है एज ए पेंशन, फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया था। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है उसमें बोला कि थर्ड ओनली, यानी कि थर्ड ओनली का मतलब है कि जो LIC है हमारी कंट्री के अंदर वो ऑपरेट करती है इस प्रोग्राम को और इस स्कीम को चलाती है। अच्छा, उसके बाद सी, सी के अंदर बोला जा रहा है सी ऑप्शन के अंदर यू फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि पहला ऑप्शन जो आपके पास था सीनियर सिटीजन को फिक्स रेट से पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, दूसरा LIC इसको होलसोल इसकी करता धरता कह लीजिए, उसको चलाने वाली जो कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोला जा रहा है। और डी में बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट, यानी कि इसके अलावा इन दोनों स्टेटमेंट के अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री में से अप्रूव करते हैं इसके रेट ऑफ रिटर्न को, यानी तीनों स्टेटमेंट बोला जा रहा है करेक्ट है। तो यानी कि आपके हिसाब से इन जो मैंने चार ऑप्शन आपको बताए, चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है ये आप आइडेंटिफाई करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है क्या। ये 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है, ताकि जो हमारी कंट्री में जो सीनियर सिटीजन है उनको एनुअल बेसिस पे एक पेंशन मिल सके। और पेंशन कैसे मिलेगी, एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मिलेगी, हर साल, हर महीने मिलेगी बल्कि, ठीक है। और हर साल के स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जो भी होंगे वो सेट करेंगे कि भी इस साल का रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ठीक है, यानी कि बिगनिंग ऑफ द ईयर ये डिसाइड हो जाएगा कि ये रेट ऑफ रिटर्न होगा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं पूछ रहा हूं से, हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये कब स्टार्ट होता है, यानी कि कब से लेके कब तक होता है, ठीक है, आपको ये बताना है, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। उसका जो थर्ड ऑप्शन बोला गया कि भाई LIC जो हमारी कंट्री के अंदर है ये इसको रन करती है, इसको चलाती है, और कैसे, ऑनलाइन थ्रू द, मतलब ये ऑनलाइन काम किया जाता है इसके अंदर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम किया जाता है, यानी कि LIC जो इस प्रोग्राम को रन करती है इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसे रन करती है, ठीक है, दोनों तरीके से इसको चलाती है, ठीक है। तो आपको एक चीज और बतानी है इस क्वेश्चन, जैसे आज के लिए क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो ये बताना है आपको कि भाई हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब स्टार्ट होता है, और दूसरा ये बता दीजिए कि LIC के हेडक्वार्टर कहाँ है, LIC का जो हेड चेयरपर्सन या जो भी हेड पर्सन इसको रन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके बारे में थोड़ा बताना है, और इसकी डेट वगैरह कि कब इसे एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये थोड़ा सा आज थोड़ा इसके डीप में जाके, इसके बैकग्राउंड में जाके थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ ये कि विद रेफरेंस टू द सोनिक बूम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये सोनिक बूम्स क्या है इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि नॉट करेक्ट है, आपको ये बताना है. ठीक है, जो गलत है वो वाला स्टेटमेंट आपका आंसर होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये, दीज आर द स्टॉक वेव प्रोड्यूस बाय द प्लेन्स फ्लाइंग एट अ स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड. कि साउंड की जो स्पीड होती है ट्रेवल करने की उसके इक्वल या उससे ज्यादा स्पीड में अगर कोई प्लेन फ्लाई करती है स्पीड से ज्यादा तेज में तो उसे उसको हम बोलते हैं शॉक वेव. उसको हम कैसे बोलते हैं, शॉक वेव जो होते हैं उसे हम बोल सकते हैं सोनिक बूम बोल सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया. सेकेंड ऑप्शन में बोला गया कि एयर टेम्परेचर एंड द प्रेशर इफेक्ट. कि एयर टेम्परेचर जो होता है एनवायरमेंट में और प्रेशर इसमें इफेक्ट डालता है इसके डायरेक्शन में और इसके स्ट्रेंथ में. किसके, सोनिक बूम के बारे में बात की जा रही है. कि सोनिक बूम को जो प्रभावित करता है इसे जो इफेक्ट लाता है वो कौन कौन टर्म्स लेके आते हैं, एयर प्रेशर. ठीक है, एयर प्रेशर और एयर टेम्परेचर इसको इस पे इम्पैक्ट डालते हैं अपना. ये बोला किसके लिए, इसके ट्रेवल करके डायरेक्शन में और इसकी स्ट्रेंथ में. ये बोला जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट है, आप वो बताइए. तो ऑप्शन है आपके पास ए, यानी कि वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. सेकंड बी में बोला जा रहा है आपके जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है. और सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है. तो आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए अच्छे से. हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही सही है, गलत कुछ नहीं है. तो हमारा आंसर हो गया डी, यानी कि नाइदर वन नॉट टू. अब डिटेल में देख लेते हैं ये सोनिक बूम क्या है. सोनिक बूम सॉफ्टवेव क्या है, ये एक प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लाई करती है आसमान के ऊपर, आसमान में, और इसकी स्पीड क्या होती है, जैसे इसमें बोला गया था ना कि भाई इसमें जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी तेज फ्लाई करती है, यानी कि जिस रफ्तार से हमें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है उससे भी तेज रफ्तार में, उससे तेज रफ्तार में कोई भी प्लेन जब मूवमेंट करता है तो उसको हम टर्म देते हैं सोनिक बूम शॉक वेव. और जैसे इसमें स्पीड की बात की जाए तो इसकी जो स्पीड होगी सोनिक बूम की या सुपरसोनिक की वो होती है ग्रेटर देन 1225 किलोमीटर पर आवर की बात करें, इस रेट से भी ज्यादा इसकी स्पीड होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि 1225 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है एट सी लेवल. ठीक है, ये इसकी स्पीड प्री डिफाइंड की गई है. ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि इसमें इंपैक्ट डालती है, क्या क्या डालती है, एयर टेम्परेचर और प्रेशर और विंड, ये चीजें इसकी स्पीड में, इसकी वेट में, इसकी हाइट में और इसकी शेप में, किसके, एयरक्राफ्ट के, इंपैक्ट डालती है, अफेक्ट करती है इसके, यानी कि ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है. यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत कुछ नहीं है. क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि गलत क्या है ये बताइए, गलत कुछ भी नहीं है. तो यानी कि ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ना सेकंड स्टेटमेंट गलत है. तो हमारा जो आंसर हो गया, हमारा आंसर डी हो गया, क्योंकि हमें गलत बताना था. अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द G7. G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है 7 कंट्री का, इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया. अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं कुछ सालों से, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये G7 नहीं, पहले ये G8 कंट्री हुआ करती थी. ठीक है, बाद में इसे G8 से इसको G7 में कन्वर्ट कर दिया गया. एक कंट्री है जिसको इसमें बाहर कर दिया गया, अब वो कौन सी कंट्री है ये आप बताइएगा कमेंट में. पहले ये G8 कंट्री हुआ करती थी, फिर बाद में इसे G7 कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन में टर्म इसे कन्वर्ट कर दिया. एक कंट्री को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया. ठीक है, वो कौन सी कंट्री है जिसे बाहर निकाल दिया गया ये बताइएगा, और रीजन बताइएगा कि इसको बाहर निकालने का रीजन क्या था, कि बाकी जो 7 कंट्री है उन्होंने उस 8वें कंट्री को बाहर क्यों निकाला, आपको ये भी बताना है. चलिए अब देख लेते हैं इसमें स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है. तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट है और नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन अबव आर या इज करेक्ट. करेक्ट क्या है आपको ये बताना है. ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है. चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये है, इट हैज फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया, ये कुछ कंट्री के नाम दे रखे हैं आपके पास और कह रहा है कि ये जो कंट्री है G7 के ये मेंबर है, मेंबर नेशन है, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है G7, ठीक है, इसके मेंबर्स हैं ये कुछ कंट्री के जो नाम दिए गए आपके पास, फ्रांस, जर्मनी,
इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट और रशिया इसके मेंबर है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये है। सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट बेयरविट्ज, जो कि फ्रांस में एक सिटी है, बेयरविट्ज वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है, ये बताना है। ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से, G7 कंट्री के मतलब कंट्री के नाम दे रखे फर्स्ट में, दूसरा आपको हेडक्वार्टर बताया गया है, और नीचे क्वेश्चन पूछ लिया गया है सही स्टेटमेंट क्या है ये बता दो, और ए ऑप्शन है आपके पास वन ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है आपसे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कौन सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसे आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने वो सारी कंट्री जो G7 के अंदर आती है उस कंट्री को यहाँ पे एक पिक्चर शो कर रहा हूँ। तो आप इसे देख सकते हैं कि G7 के अंदर क्या क्या कौन कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जापान है, जर्मनी और यूके यानी कि इंग्लैंड की कोई जो कह सकते हो आप, यूनाइटेड किंगडम है, ये सारी कंट्री इसके अंदर आती है। हाँ भाई, इंडिया नहीं है इसमें, ठीक है, इंडिया G7 के अंदर नहीं आती है, G20 कंट्री के अंदर आती है। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो रशिया जो दिया गया था कि रशिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये रीजन आपको देना। चलो कंट्री मैंने बता दी कि पहले ये G8 कंट्री हुआ करती थी, यहाँ पे एक कंट्री और होती थी हुआ करती थी, वो कौन सी कंट्री थी, रशिया थी। लेकिन ये जो सारी जो G7 कंट्री है इन्होंने रशिया को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया, यानी कि G8 को कन्वर्ट कर दिया गया, G7 में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इसके रीजन क्या है। तो जैसे इसमें यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत हो गया, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट रशिया जो दे दिया गया था, रशिया इसका पार्ट अब नहीं है, G7 का पार्ट अब नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया इसके अंदर। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के अंदर है, और फ्रांस के अंदर एक सिटी है जिसका नाम बताया जा रहा है बिरिच, इसकी एक सिटी है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, सेकंड स्टेटमेंट बोला गया, वो भी गलत है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है कंट्रीज की, कि ये क्या करते हैं आपस में इकोनॉमिक रूप से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये कंट्री वो है, और ये इनका कोई हेडक्वार्टर जैसा कुछ कोई टर्म नहीं है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कहीं पे भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है इस कंट्री का, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि जब हेडक्वार्टर है ही नहीं तो फिर ये फ्रांस में यहां वहां इसका हेडक्वार्टर है ही नहीं, यानी कि ये सेकंड स्टेटमेंट वो भी गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। फर्स्ट क्यों, कि रशिया इसका पार्ट नहीं है, और सेकंड क्यों, इसका हेडक्वार्टर होता ही नहीं है, तो फ्रांस का तो मतलब ही नहीं हो गया, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि जो गलत दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर आपका डी हो गया, कि यानी कि नाइदर वन नॉट टू, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर कितना है, कि आपने जो मैंने क्वेश्चन आज करवाए आपके लिए कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर किए, स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप टीचर सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे में उसके लिए भी टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ, उसमें हम पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और वो सारे टीचिंग मेथड जो आपके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जाते हैं वो डिस्कस करता हूं, तो आप उसमें भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं 7 बजे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और अपने दूसरे दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अभी इतना ही है।